हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास क्लास सेकेंड सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 8। चैप्टर नेम है रिक्रिएशन। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं कि रिक्रिएशन क्या होता है। आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन। चिल्ड्रेन स्टडी इन स्कूल। अ लेडी वर्क्स हार्ड एट होम आर ऑफिस एंड अ मैन वर्क्स हार्ड इन ऑफिस। चिल्ड्रेन स्कूल में स्टडी करते हैं, लेडी होम में हार्ड वर्क करती हैं एंड ऑफिस में मैन ऑफिस में हार्ड वर्क करते हैं। टॉपिक है रिक्रिएशन। आफ्टर वर्किंग आर स्टडी द होल डे वी गेट टायर्ड। जब हम पूरा दिन वर्किंग एंड स्टडिंग करते हैं तो अपने आप को थका हुआ पाते हैं। Therefore, we must do such thing in our free time which make us feel active, relaxed and fresh again. फिर हम जब थोड़ा अपने आप को रिलैक्स होते हैं तो हम अपने आप को एक्टिव फील करते हैं एंड पुनः हम फ्रेश हो जाते हैं। The things which we do in our free time are called recreation. हम जब फ्री टाइम होते हैं तो उसे ही हम रिक्रिएशन कहते हैं। वी फील रिलैक्स एंड फ्रेश आफ्टर सम रिक्रिएशन। जब हम अपने आप को रिलैक्स एंड फ्रेश फील करते हैं उसे हम रिक्रिएशन कहते हैं। वेन वी आर नॉट बिजी आर वर्किंग एंड आर फ्री टू डू एनीथिंग ऑफ आवर चॉइस इट इज कॉल्ड फ्री टाइम। जब हम बिजी नहीं होते हैं और अपने आप को फ्री टाइम पाते हैं तो हम अपने चॉइस का कोई भी वर्क करते हैं उसे हम फ्री टाइम कहते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी डू ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम। नाउ नो अबाउट द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन ऑफ फन। और फ्री टाइम में हम अपने चॉइस का कोई भी वर्क करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स दिए गए हैं। रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये रिक्रिएशन और फन ये कर रहे हैं लोग, अपने चॉइस का वर्क कर रहे हैं लोग जब ये लोग फ्री हैं लोग। कोई रीडिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई प्लेइंग कर रहा है, कोई वॉचिंग टीवी देख रहा है, कोई साइकिलिंग किया है, कोई स्विमिंग कर रहा है। टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन के टाइप्स आइए हम रीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इनडोर एंड आउटडोर विच वी कैन इंजॉय। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हम इंडोर एंड आउटडोर में हम इंजॉय कर सकते हैं। विच अमॉन्ग दीज एक्टिविटीज़ डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। आप फ्री टाइम में इनमें से कौन सा वर्क करते हैं उसमें आपको सर्कल में टिक इन द सर्कल्स, इन सर्कल्स में आपको टिक करना है कि आप फ्री टाइम में अपने चॉइस का कौन सा वर्क, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस सर्कल में टिक करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडोर रिक्रिएशन। इंडोर रिक्रिएशन में हम कौन सा काम करते हैं, कौन सा गेम करते हैं, आइए देख बढ़ रेट करते हैं। वी कैन प्ले इंडोर गेम्स लाइक स्नैक्स एंड लेडर्स, चेस, लूडो, कैरम, चाइनीज चेकर्स, वीडियो गेम एंड स्क्रैबल। वॉचिंग कार्टून ऑन टेलीविजन आल्सो कीप अस एंटरटेन फॉर लॉन्ग आवर्स, इट मे अफेक्ट आवर हेल्थ एंड स्टडीज। हम इंडोर गेम में अपने पसंद के स्नैक्स, गेम, लेडर्स, चेस, लूडो, कैरम, चाइनीज चेकर्स, वीडियो गेम्स, गेम हम प्ले करते हैं। कभी हम फ्री टाइम में टीवी भी देखते हैं, टेलीविजन, कार्टून देखते हैं, ये हमारा सब एंटरटेन होता है। और बहुत घंटों बाद हम अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, फिर स्टडी करते हैं। सम पीपल लाइक टू रीड बुक्स, कुछ लोग बुक रीड करना लाइक करते हैं। रीडिंग इज वेरी गुड हैबिट, और रीडिंग गुड हैबिट बहुत ही अच्छा हैबिट होता है। वी शुड रीड गुड बुक्स, और हमें अच्छा बुक रीड करना चाहिए। इट गिव अस प्लेजर एंड आल्सो इंक्रीज आवर नॉलेज, इससे हमको क्या होता है, नॉलेज मिलता है। प्लेइंग गेम्स लाइक लूडो, चेस एंड कैरम इज इंजॉयबल, और गेम्स में
लूडो, चेस, कैरम ये इंजॉयबल गेम होते हैं। सम पीपल लिसन टू म्यूजिक, कुछ लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। आन सिंग एंड डांस इन देयर फ्री टाइम, और कुछ लोग सिंगिंग करना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में। ड्राइंग एंड पेंटिंग आर आल्सो वेरी गुड फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ड्राइंग करना पेंटिंग करना भी बहुत अच्छा होता है रिक्रिएशन में। सम पीपल फाइंड कुकिंग वेरी इंजॉयबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्री टाइम टू अवॉइड फीलिंग वेरी टायर्ड एंड डल, वी ऑल मस्ट हैव सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। कुछ लोग कुकिंग करना पसंद करते हैं और ये फ्री टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और हम इसे अवॉइड करके अपने आप को टायर्ड फील नहीं करते हैं। ये हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आउटडोर रिक्रिएशन। अभी हम इंडोर रिक्रिएशन जाने हैं, अब हम पढ़ेंगे आउटडोर रिक्रिएशन में हम क्या क्या करते हैं। गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक और डूइंग एक्सरसाइज आर मेन फॉर आउटडोर रिक्रिएशन। हम कहीं लॉन्ग वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये हमारा मेन आउटडोर रिक्रिएशन होता है। प्लेइंग गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल आर द आउटडोर एक्टिविटीज विच कीप अस हेल्दी। आउटडोर रिक्रिएशन में हम क्रिकेट खेलना लाइक करते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये आउटडोर रिक्रिएशन होता है जो हमें हेल्दी रखता है। बाय दिस चिल्ड्रेन नो टू लिव इन अ यूनिट आल्सो, और इसमें बच्चे एक यूनिट में रहते हैं। नो आई नो रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, साइकिलिंग, स्विमिंग आर सम ऑफ दिस वी डू ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम। इस फ्री टाइम में हम ये काम करते हैं। द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन, और इस फ्री टाइम को हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं। वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स इज हार्मफुल एज इट मे अफेक्ट आवर हेल्थ एंड स्टडीज, और हम बहुत देर तक, घंटों तक हम अगर टीवी देखते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है हमारे हेल्थ के लिए। प्लेइंग गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल आर द आउटडोर गेम। प्लेइंग गेम में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये आउटडोर गेम होते हैं। व्हेन वी आर नॉट बिजी आर वर्किंग एंड आर फ्री टू डू एनीथिंग ऑफ आवर चॉइस इट इज़ कॉल्ड फ्री टाइम, और जब हम बिजी नहीं होते हैं, फ्री होते हैं तो उसे हम, और अपने चॉइस का वर्क करते हैं तो उसे हम फ्री टाइम वर्क करते हैं। तो ये चैप्टर रिक्रिएशन, आप इसे रीड करेंगे और जानेंगे कि रिक्रिएशन में आप क्या करते हैं, फ्री टाइम में आप कौन सा वर्क करते हैं, और फ्री टाइम में कौन सा वर्क करना हमारे लिए अच्छा होता है। तो फ्री टाइम में हमारे लिए रीडिंग करना हमारे लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीडिंग करने से हमें, ये आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को 2 times रीड करेंगे और रिक्रिएशन क्या होता है आप इसे जानेंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।